मध्य प्रदेश में खाद की कमी को लेकर इन दिनों किसान परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं राजगढ़ जिले के कलेक्टर पचोर पहुंचे, जहां उन्होंने अचानक खाद गोडाउन का निरीक्षण किया और कहा कि किसान घबराए नहीं, सभी को खाद मिलेगा। राजगढ़ में पचोर क्षेत्र का राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने यूरिया खाद वितरण और गोदामों का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरअसल एक दिन पहले SDM राकेश मोहन त्रिपाठी ने किसानों को टोकन बांट दिए थे, जिसके आधार पर किसानों को यूरिया दिया जा रहा है। पचोर जिले में खाद वितरण का केंद्र बन गया, जिसमें सारंगपुर, खुजनेर, पचोर सहित क्षेत्र के हजारों किसान खाद लेने पहुंचे, जिसके कारण भीड़ देखने को मिली। वहीं SDM, तहसीलदार, प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा, जिससे किसानों को समुचित व्यवस्था से खाद वितरण किया जा रहा है। चार पॉइंट से वितरण हो रहा है यूरिया खाद का, और यानी जो वितरण पॉइंट्स की व्यवस्था हम लोगों ने की है, तो वो इस तरह से व्यवस्था की है कि जिससे कि मार्केट में अधिक भीड़ भी नहीं रहे और किसान को भी परेशान नहीं होना पड़े। हम लोग ने वितरण व्यवस्था इस तरह से कल की थी कि कष्टों को जो टोकन बांटे थे, क्योंकि वह कल लगा था, लेकिन जो फिजिकली यूरिया आया वो कल रात को आया और वितरण उसका आज हमको करना था। हम लोगों ने टाइम स्लॉट बांट दिए थे कृषकों को और उनको पर्ची दे दी थी कि 11 से 1 बजे के बीच में उनको आना है, या फिर 1 से 3 बजे के मध्य आना है, या फिर 3 से 5 के बीच में आना है। तो इससे एक साथ हमारे यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो रही और किसान को अधिक आसानी से यूरिया खाद प्राप्त हो रही है। अभी तक हम जो आज वितरण कर चुके हैं वो तकरीबन हम लोग 1800 किसानों को वितरण कर चुके हैं और प्रत्येक किसान को 3 बोरी यूरिया दिए। कितनी खाद और आने वाली है सर? अभी हमारे पास आज के आवंटन में से थोड़ा बहुत का आवंटन शेष है और कल के लिए रैक लगनी है, तो हम लोग जिला स्तर पर टोटल मिलाकर के 250 टन का आवंटन के लिए और डिमांड भेज रहे हैं, क्योंकि जो पचोर का पॉइंट है वो जिले का सेंट्रल पॉइंट है और संपूर्ण जिले का किसान यहाँ पर खाद लेने के लिए। राजगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट।